आप सभी को जय मसीह की। तो आज हम जानेंगे प्रकाशित वाक्य चौथा और पांचवा अध्याय हमें क्या सिखाता है। हम कुछ मोटी मोटी बातें जानेंगे जो इस समय हमें रैप्चर में मतलब प्रभु के दूसरे आगमन में उठा लिए जाने में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आपको चौथे अध्याय में स्वर्गीय पिता परमेश्वर की विराटता और सामर्थ्य और अधिकार और चिन्ह दिखाए गए हैं। यदि आप पूरा चौथा और पांचवा अध्याय पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे, क्योंकि चौथा अध्याय तक कलीसिया उठा ली गई है और फिर उसके बाद पांचवा अध्याय खोला जाएगा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह उस पुस्तक को लेंगे जो भीतर और बाहर से लिखी हुई है, जो पिता परमेश्वर के हाथों में है। तो स्वर्ग में प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के दूत ने यूहन्ना को कौन कौन से चिन्ह दिखाए, तो अब हम जानेंगे। जैसे कि लिखा है, और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वह यशव और मणिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं, और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, और उन सिंहासनों के सामने मानो बिलौर के कांच के समान सा एक समुद्र है, और सिंहासन के बीच में से और सिंहासन के चारों ओर और चारों प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी दूसरे प्राणी का मुंह बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथे प्राणी का मुंह उड़ते हुए काप के समान है, और चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं, और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीतता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीतता है प्रणाम करेंगे, और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब कुछ सब वस्तुएँ सृजी और वे तेरी ही इच्छा से सृजी गई थी। तो अब हम आगे जानेंगे चार जीवधारियों के बारे में। ये चार जीवधारी कौन है? जैसे कि लिखा है यहेजकेल 1:5 में, और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले, उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे, उनके पांव सीधे थे, और उनके पांवों के तुलन बछड़ों के खुर के से थे, और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे, उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे, और उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे, उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे, और अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे, उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था, और उन चारों के दाहिने ओर के मुखों का रूप सिंह के सा था, और बाईं ओर का मुखों का रूप बैलों का सा था, और चारों के पीछे का मुखों का रूप उकाब के पक्षी के से था, उनके चेहरे ऐसे ही थे, उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे, और हर एक जीवधारी के 2-2 पंख थे जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे, और 2-2 पंख से उनका शरीर ढपा हुआ था। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे, जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे, और चलते समय मुड़ते नहीं थे। जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मशालों के समान दिखाई देते थे, और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही, और उस आग से बिजली निकलती थी। जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। पहियों का रूप और बनावट फिरोजी की सी थी, और चारों का एक एक ही रूप था, और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलते समय वे अपने चारों ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे। उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे, और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी। जब जीवधारी चलते थे तब वे पहिए भी उनके साथ चलते थे, और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उनके साथ उठते थे। जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते थे, और पहिए जीवधारियों के साथ उठते थे क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी। जब वे चलते थे तब ये भी चलते थे, और जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे, और जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उनके साथ भूमि पर से उठते थे क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियों में थी।
जो आकाशमंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलमणि का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर प्रकाश का दिखाई पड़ रहा था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा और मैं एक शब्द सुना जैसा कि कोई बात करता है। और अब हम पांचवें अध्याय में चलते हैं, जो कि कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद खोला जाएगा, ताकि जो लिखा है वो पूरा हो और जो बंद है वो खोला जाए। जैसे कि लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर से लिखी हुई थी और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। ये जो मेमने का जिक्र किया गया, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। तो उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथों में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोगों को जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उसके प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजीवी वस्तु को और सब कुछ जो उसमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। तो अब आप जान ही गए होंगे कि 4वें और 5वें अध्याय के अंदर परमेश्वर की सामर्थ, ताकत और विराटता और अधिकार और स्वर्ग का सिंहासन और स्वर्ग के प्राणी और स्वर्गदूतों के विषय में बताया गया और भी बहुत सी बातें बताई गई हैं। और इसमें जो 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने पिता के हाथ से वो जो पुस्तक दोनों तरफ से लिखी हुई है वो पुस्तक ले ली। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने 6वें अध्याय में जैसे कि लिखा है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन प्राणियों में से एक गर्जन का सा शब्द सुना कि आ, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने पहली मोहर को खोलना शुरू किया। तो इस विषय में हम आगे जाने, और एक बात और ध्यान रखना कि ये मोहर बंद पुस्तक वही पुस्तक है जो बाबा दानियल जी के समय में बंद की गई थी, जैसे कि लिखा है दानियल 12वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत से, यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ ना समझता था। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मोहर दी गई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। तो हम जानेंगे कि इस पुस्तक में ऐसा है क्या, ये हमें क्या चेतावनियां देती है। जैसे कि लिखा है यहेजकेल 2वां अध्याय और 9 और 10वीं आयत में, तब मैंने दृष्टि की ओर क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे हाथ सामने खोल कर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। ध्यान रखना, ये कोई आनंद और खुशी की बात नहीं है। इसमें लिखा है वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। तो इन मोहरों को खोलने के बाद कौन कौन सी संकट, कौन कौन सी विपत्तियां इस धरती पर, इस मनुष्य पर आने वाली हैं या आएंगी, तो वो सभी इन मोहरों में, मोहरे के खोलने के बाद जो 7 कटोरे 7 तुरियां वो आगे आपको बताया जाएगा। तो आप सभी जान ही गए होंगे। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे, सारी महिमा प्रभु को मिले। बस आप सभी से एक प्रार्थना है कि आप सभी कोशिश करें कि जितना समय हो सके प्रभु के साथ देने की और पवित्र आत्मा की मदद मांगे इन वचनों को पढ़ने और समझने की। और एक प्रार्थना जरूर करें, प्रभु जो भी मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरे हृदय रूपी पटिया पर लिख जाए और मेरे मन के चित्त में से कभी उतरने ना पाए। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। आप सभी को जय मसीह की।